नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। मोक्ष की नगरी काशी में आज दिल्ली से आए गौरव तिवारी और विभा शर्मा को शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने कोविड काल में मृत आत्माओं की खोज के लिए कोरोना भागीरथ सम्मान से सम्मानित किया, लेकिन इसके पीछे ओटीटी 56 के डायरेक्टर्स द्वय की लोकप्रियता और मार्केटिंग अगर चमक गई तो फिर क्या कहना है। बता दें कि प्रेस वार्ता के दौरान क्लाउन टाइम से बातचीत में ओटीटी 56 की डायरेक्टर विभा शर्मा ने धन संग्रह की अपनी मंशा जाहिर कर दिया था, लेकिन उनके सहयोगी गौरव तिवारी ने आगामी 6 महीने तक सनातन के प्रचार के लिए किसी प्रकार के शुल्क लेने से फिलहाल मना कर दिया है। बताते चले कि मोक्ष की नगरी काशी में शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के निर्देश पर वाराणसी के 80 घाट से सतुआ बाबा आश्रम के महंत संतोष दास ने कोरोना काल में दिवंगत आत्माओं की मोक्ष व मुक्ति दिलाने के लिए ओटीटी 56 के डायरेक्टर्स गौरव तिवारी और विभा शर्मा के साथ सनातनी झंडी दिखाकर रथ को रवाना कर दिया है। कुल मिलाकर मोक्ष की नगरी काशी में गौरव तिवारी विभा शर्मा को परम पूज्य शंकराचार्य का कोरोना भागीरथ सम्मान मिल गया है। फिलहाल बनारस से कोरोना काल में हुई मौत के दौरान भटकती आत्माओं का डाटा बटोरने के लिए एक रथ रवाना हो गया है। अभी पूरे भारत में घूम घूम कर कोरोना के दौरान हुई मौत का डाटा इकट्ठा करने के लिए 100 रथ रवाना होने वाला है। इसके बाद शंकराचार्य जी के सानिध्य में 11,000 पंडितों की उपस्थिति में सभी भटकती आत्माओं को मोक्ष प्राप्ति हेतु वैदिक यज्ञ किया जाएगा। ये दिल्ली में रहते हैं और इन्होंने कहा कि अगर आप आरम्भ कर देना चाहिए तो हमको भी लगा कि कार्य करना चाहिए। तो ये जो बहुत बड़ी संख्या थी, ऐसी हमारे पुराणों में कपिल मुनि के शाप से राजा सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म होने की कथा से उल्लेख मिलता है। लगा इकट्ठे 60,000 लोग एक साथ काल पब्लिक हो गए थे, अचानक उनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में उनके उद्धार के लिए प्रयास किए गए थे और उसी में गंगा जी को भगीरथ धरती पर ले आए। इतने भगीरथ होंगे, लेकिन आज गंगोत्री की गंगा लिया जा रहा है, ताकि ये वहाँ तक पहुँच करके जो योजना हम लोगों की बनेगी उसके अनुसार इसका प्रयोग कर सकेंगे। अब इसको दिखाते हुए आप आ जाइए, अभी थोड़ा और आगे इधर दिखिए। चलिए ये कर सकते हैं, गिफ्टी आपको मिल गई और ये कोरोना भगीरथ सम्मान पहचान हमने अभी गौरव जी को विभा जी को प्रदान की। भविष्य में वो भी और गंगा जी में सात पिंडदान तर्पण जो कुछ भी हमारे शास्त्र के अनुसार होता है उसको विद्वानों से निश्चित करा करके यहाँ पर पूरे विश्व में जितने भी लोग कोरोना या कोविड, कुछ जगह पे कोरोना कहते हैं, कुछ जगह पे कोविड नाम से जानते हैं, कोविड-19, उससे जो लोग मरे हैं उनकी संतति के लिए उपाय यहाँ पर करेंगे। उन लोगों का जानकारी का डाटा हम लोग इकट्ठा कर लेंगे। ओटीटी 56 हमारा विश्व का पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म हमने खोला है, जहाँ पर पूज्य संत जैसे वाणी विश्व लेवल तक हम पहुंचाना चाहते हैं। उसी ओटीटी को हम देश को समर्पित कर चुके हैं भगवान के द्वारा। मैडम एक सवाल है, जो वेबसाइट आपके उस पर जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसके बाद उनको शुल्क भी देना पड़ेगा? जो कथा का शुल्क है, कथा निशुल्क है, कथा एकदम निशुल्क है। बाकी हमारा जो ओटीटी प्लेटफॉर्म रहेगा, जो हिंदू ध्रुववादी सनातन धर्मी जो मनोरंजक प्लेटफॉर्म है उसका शुल्क है 449। तो उस मनोरंजन के लिए, उस सब के लिए तो शुल्क है। अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके आपके? नहीं,
महाराज जी, आज गौरव तिवारी और विभा शर्मा को कोरोना भागीरथ सम्मान से सम्मानित किया गया है, इसके पीछे क्या है उद्देश्य? ये कोरोना भागीरथ हमने इसलिए उनको कहा क्योंकि जैसे सगर के 60,000 पुत्रों को तारने के लिए भागीरथ ने प्रयास किया था, वैसे ही कोरोना के काल में कवलित हो गए जो लोग हैं उनकी सद्गति के लिए प्रयास करने वाले लोगों में नंबर एक और नंबर दो इनको किया, और आगे बहुत से और लोग जुड़ेंगे, वो सब भी कोरोना भागीरथ होंगे। पर कुल कितने लोग इस कोरोना काल में उनका निधन हुआ है, इस बारे में हम जानना चाहेंगे, क्या कुछ आंकड़ा है आपके पास? देखिए, अभी तक कोई सही आंकड़ा तो सामने आया नहीं है। सरकारों ने अलग अलग समय में अलग अलग आंकड़े बताए हैं, पूरे विश्व की बात है तो हम एक दिन में तो कोई आंकड़ा नहीं बता सकते हैं, लेकिन अभी ये कार्य अब चलेगा, बीच में 5 महीना 5.5 महीने का समय हमारे पास है। हम चाहते हैं कि कोरोना से जो लोग भी कालकवलित हुए हैं कम से कम उनके नाम हमारे पास आ जाएं, ताकि उनके नामों का उच्चारण करके हम यहाँ पर उनकी सद्गति के लिए प्रार्थना कर सकें। तो जितने लोग, चाहे वो 70 लाख हों, चाहे 80 लाख हों, चाहे करोड़ हों, जो भी होंगे, उनके कार्यक्रम में उनके नाम का उच्चारण करके उनकी सद्गति की प्रार्थना की जाएगी। महाराज, ये आयोजन कहाँ होगा और कैसे होगा? देखिए, ये आयोजन काशी जी में होना है क्योंकि काशी मुक्ति जन्म महिजान, सद्गति के लिए यहीं पर प्रार्थनाएं सदा से होती रही हैं, तो हम लोगों ने काशी को इस कार्य के लिए चुना है। काशी में कहाँ होगा अभी हम लोगों ने नहीं पूरी तरह से तय किया है, समय अनुसार तय करेंगे क्योंकि अभी बहुत समय है, 5 महीने का समय है बीच में, तो काशी में होगा ये तय। गौरव जी, आज आपको कोरोना भागीरथ सम्मान से सम्मानित किया महाराज जी ने, इसके पीछे पूरा उद्देश्य क्या है और आपका ओटीपी प्लेटफॉर्म क्या है? देखिए, मैं गौरव तिवारी हूँ और हमने विश्व का पहला सनातनी ओटीटी प्लेटफॉर्म खोला है जिसका नाम है OTT 56। और आज भगवान शंकराचार्य जी ने हमारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। हम एक भागीरथी प्रयास कर रहे हैं, जो कोरोना काल में जितने मृत लोग हुए थे उनको अंतिम संस्कार और अंतिम विदाई नसीब नहीं हुई, तो भागवत कथा के माध्यम से हम लोग उन तमाम आत्माओं को मुक्ति और मोक्ष के लिए एक वैदिक मंत्रोच्चारिक कार्यक्रम रख रहे हैं और वो भागवत कथा के माध्यम से उनका सद्गति के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। और रही बात इसकी कि हमें जो आज सम्मानित हुआ है, हमारे को जो कोरोना भागीरथी का अवार्ड मिला है, ये एक तरीके का एक बूस्टर है जो हमें ऊर्जा दे रहा है लोगों के बीच में जाने के लिए और लोगों को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि मरने के बाद ज़्यादातर लोग के मन में पीड़ा तो है लेकिन समाज ने उनको कहीं ना कहीं बुला दिया है और वो अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए, तो हमारे इस अवार्ड के माध्यम से हम लोग अभी जीरो ग्राउंड पर निकलने वाले हैं और लोगों को जागरूक करने वाले हैं। आपका जो ओटीपी प्लेटफॉर्म जो है, ये भविष्य में क्या करने वाला है, इसकी जो मतलब सदस्यता जो लोग लेंगे उसका शुल्क क्या है? पहली तो ये कि ओटीटी प्लेटफॉर्म का कोई सदस्यता शुल्क नहीं है, ये टोटल सनातनियों को समर्पित है, साधु संतों को समर्पित है। अगर एक वेब सीरीज बॉबी देवल की बनती है आश्रम, जिसमें ये बताता है कि आश्रम में कैसे कुकृत्य होते हैं, तो हमारी एक वेब सीरीज आ रही है आश्रमों का दिव्य लोक, तो ये ऐसा ओटीटी है। लेकिन अगर कोई बड़े प्रोड्यूसर, छोटे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर अगर अपनी फिल्मों को अगर बेचना चाहते हैं, उसमें धन लाभ लेना चाहते हैं, तो टिकट ऑप्शन उनको वहां पे मिलेगा, और लोगों को अगर वो फिल्म देखनी है तो वहां पे वो टिकट लेंगे और OTT देखेंगे। बाकी सभी प्रोग्राम जो सनातनी से रिलेटेड होंगे, साधु संतों से रिलेटेड होंगे, वो सब निःशुल्क। मैडम, कोरोना काल में जिनकी मृत्यु हुई उसके लिए कितने रथ तैयार किए जा रहे हैं और ये कहाँ कहाँ भ्रमण करेंगे? अभी हमारा जो प्लान है उसमें 100 रथ हम लोग हर दिशा में चलाएंगे। आज एक रथ स्वामी जी के आधिपत्य में रवाना होगा और जहाँ जहाँ स्वामी जी जाएंगे ये रथ उनके साथ रहेगा, और बाकी के जो रथ हैं वो इंडिविजुअली अपनी अपनी कैपेसिटी में वो इधर उधर जहाँ भी देश में हमारा जैसा जैसा दौरा रहेगा उस दौरे में वो रथ वहाँ पर प्रस्थान करेंगे। कुल मिलाकर शंकराचार्य जी की ओर से आयोजन सराहनीय है, लेकिन कोविड काल में मौत का डाटा अगर चौंकाने वाला आ गया तो सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। क्लाउन टाइम्स YouTube चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।